गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की साख गिरती है। उस हिसाब से तो मोदी जी की साख और प्रतिष्ठा किस गटर में चली गई, इसका अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल है। जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी जी ने तो रुपया 58.86 रूपये था प्रति डॉलर, आज रुपया 83.60 रूपये पर पहुंच गए। तो रुपए का कमजोर होना अर्थव्यवस्था का कमजोर होना और देश के कमजोर होने पर, और असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी को रुपया 60 से कम पर दिया गया था और उन्होंने रुपया 84 के पास पहुंचा दिया। मुझे लगता है कहीं पेट्रोल की तरह शतक लगाने के बाद रुपए में भी तो सेंचुरी लगाने का अंदेशा नहीं है। और कुछ नहीं तो मुख्यमंत्री रहते अपनी ही बात सुन ले, जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की साख गिरती है। उस हिसाब से तो मोदी जी की साख और प्रतिष्ठा किस गटर में चली गई, इसका अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल है। 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी जी ने तो रुपया 58.86 रूपये था प्रति डॉलर, आज रुपया 23 मार्च को 83.60 रूपये पर पहुंच गया। अब आपको लगेगा कि रुपए के गिरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। रुपए के गिरने से आपको बहुत फर्क पड़ता है। रुपए के गिरने का मतलब क्या है कि जो चीज पहले 60 में आ सकती थी अब वो 84 में आती है। मतलब जिस चीज के लिए आपको एक डॉलर खरीदने के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे अब उसके लिए 84 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हर वो सामान जो हम आयात करते हैं उसका बिल बढ़ेगा। जैसे कच्चा तेल हो गया, कच्चे तेल के लिए पहले जहां पर आप एक डॉलर के लिए 60 रुपए देते थे अब उस एक डॉलर के लिए हम मोटा मोटा 84 रुपए दे रहे हैं। तो जब वो बढ़ेगा तो यहां पर भी कीमतें बढ़ेंगी। जब यहां पर कीमत पेट्रोल डीजल की बढ़ेगी, और क्योंकि डीजल से ही ज्यादातर ढुलाई का काम होता है, सब्जी फल अंडे सामान इत्यादि सब महंगा होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई जो है वो रेट बढ़ाएगी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जब रेट बढ़ेगा तो ईएमआई बढ़ेगी। ईएमआई मतलब अगर आपने स्टूडेंट लोन, अगर आपने कार लोन, अगर आपने होम लोन इस तरह की चीजें ली हुई हैं, तो उनकी ब्याज दर बढ़ जाएगी, उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी, ज्यादा पैसा देना होगा। तो रुपए का कमजोर होना अर्थव्यवस्था का कमजोर होना और देश के कमजोर होने पर है। और असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी को रुपया 60 से कम पर दिया गया था और उन्होंने रुपया 84 के पास पहुंचा दिया। मुझे लगता है कहीं पेट्रोल की तरह शतक लगाने के बाद रुपए में भी तो सेंचुरी लगाने का अंदेशा नहीं है। और कुछ नहीं तो मुख्यमंत्री रहते अपनी ही बात सुन ले, जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है।